हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे साथियों ने भी कुछ ने बताया था कि हम जो आय का प्रमाण पत्र भरते हैं उनमें किन किन के साइन होते हैं, तो मैं प्यारे साथियों आपको बता देता हूँ। जब आप आय का घोषणा पत्र को सबसे पहले भरवाते हैं तो जो सबसे पहले आपको करना है आपकी फ़ोटो लगवानी है, है ना। उस फोटो क्या करना है आपको, एक व्याख्याता के साइन व मोर उस पर लगवा लेनी है, ठीक है। ध्यान रखना, सरपंच के साइन आपको भूल के भी नहीं करवाना है, नहीं तो आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। और व्याख्याता के साइन व मोहर फोटो पे लगवाने के बाद नीचे क्या करोगे आप, नीचे की तरफ इसी फॉर्म पर नीचे की तरफ आप नोटरी की मोहर लगवाएंगे व उसके साइन करवाएंगे, ठीक है। और उसके उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, ठीक है। और वह आप के इस फॉर्म को उसकी नोटबुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए, किसकी, आपके आय के घोषणा पत्र की उस नोटरी की नोटबुक में इसकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उससे जो अगला पेज आता है ना, जिसमें दो गवाहों के, इसमें क्या भाई, इसमें सिग्नेचर मोहर उसमें मांगी जाती, तो आप क्या करोगे उसमें दो व्याख्याताओं के उसमें क्या करोगे आप, मोहर व सिग्नेचर उसमें करवा लेना है, उसका गांव नाम है उसमें उसे भरवा लेना है ना, और उसमें उसके मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपकी उसमें आय लिख देनी है। और ध्यान रखना, आय हरदम 50,000 के आसपास ही लिखनी है, ठीक है, ज़्यादा मत लिखना, नहीं तो आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब करना, है ना। मैं आपके लिए बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन आपके लिए नॉलेज की बात यहाँ पर लेके आता हूँ, बिल्कुल 100% सटीक। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो 10 या 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं लेकिन फिर भी आपकी वह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते कि फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है। तो ये मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मैं अगला वीडियो आपके लेके आऊँगा बहुत ही बेहतरीन, तब तक आप इंतज़ार करना। धन्यवाद।